क्या नीतीश कुमार पर डोरे डाल रही है लालू यादव की पार्टी? क्या भतीजे तेज प्रताप का न्योता स्वीकार करेंगे चाचा नीतीश कुमार? आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बिहार के सियासत में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में आरएलएसपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को टाटा बाय बाय कहा था, उसके साथ ही अब एलजेपी ने भी बीजेपी पर गुर्राना शुरू कर दिया है। इन सबके बीच तमाम मतभेदों को भुलाकर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने एकदम अनूठी और नई बात कही है। तेज प्रताप ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का न्योता दिया है। दरअसल अपने पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची पहुंचे तेज प्रताप ने जेडीयू सुप्रीमो और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी जो धर्मनिरपेक्ष हो उसका महागठबंधन में स्वागत है। अगर नीतीश कुमार भी महागठबंधन में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हालांकि तेज प्रताप का ये रुख उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव से बिल्कुल उलट है। तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की अब महागठबंधन में एंट्री नहीं होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि तेज प्रताप राजनीतिक भावुकता में कुछ ज्यादा ही कह गए हैं। गीता का श्लोक सुनाते हुए तेज प्रताप ने कहा कि पूरी सृष्टि श्री कृष्ण में है और सब उन्हीं में व्याप्त है। इस दौरान उन्होंने खुद को कृष्ण और अपने भाई तेजस्वी को अर्जुन करार दे दिया और कहा कि वो अर्जुन को आशीर्वाद दे चुके हैं। पटना के गांधी मैदान में ऐलान किया जा चुका है कि मेरा अर्जुन तेजस्वी है और उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अपने गायब रहने के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि वो तो वृंदावन गए थे, कृष्ण नगरी से सुदर्शन चक्र लेना है ताकि दुश्मनों का विनाश किया जा सके। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद ये पहला मौका है जब आरजेडी खेमे से नीतीश को महागठबंधन में आने का न्योता मिला है। हालांकि तेज प्रताप के चंचल रुख को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये न्योता न तो बहुत ज्यादा गंभीर है और न ही नीतीश कुमार इसे काफी गंभीरता से लेने वाले हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।